वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स. क्लासिफाई करना है इन पॉलीनोमियल्स को कि कौन से लीनियर हैं, कौन से क्वाड्रेटिक हैं और कौन से क्यूबिक हैं. लीनियर पॉलीनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक की डिग्री 3. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ ही वेरिएबल, आपने देखनी है वही उसकी डिग्री होगी जो सबसे बड़ी पावर होगी. जैसे फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर और एक्स दो टर्म में है और ये पॉलीनोमियल एक्स में है, मीन्स वेरिएबल जहां एक्स है और एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है. यहां 2 है, यहां 1 है, तो हाईएस्ट सबसे बड़ी 2 हुई, इसलिए ये पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है. जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है. इसकी डिग्री 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें यहां 3 दिख रही है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है. यहां पावर 2 है, यहां कांस्टेंट टर्म है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हुई, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक. यहां ये कांस्टेंट टर्म है और ये यहां पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलीनोमियल है क्योंकि यहां हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, मींस डिग्री इस पॉलीनोमियल की 1 है और जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलीनोमियल होता है. ये भी लीनियर पॉलीनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 ही है और इस पॉलीनोमियल में वेरिएबल टी है. यहां भी वेरिएबल टी है और हाईएस्ट पावर 2 है, एक ही टर्म है और यहां वेरिएबल की पावर 2 है, इसलिए हाईएस्ट पावर भी 2 ही, मींस डिग्री 2 मींस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. और लास्ट में ये क्यूबिक पॉलीनोमियल क्योंकि यहां भी एक ही टर्म है और वेरिएबल की पावर 3 है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर 3 हुई. हाईएस्ट पावर 3 मींस डिग्री 3, डिग्री 3 मींस क्यूबिक पॉलीनोमियल. तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 आपकी फिनिश होगी. उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x - 4x स्क्वायर + 3x. इसमें कुछ पार्ट्स हैं और ये पॉलीनोमियल गिवन है. x में ये पॉलीनोमियल है, मींस इस पॉलीनोमियल में वेरिएबल x है और ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं 2 है, यहां 1 है. तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 मतलब जब हम इसमें x 0 डालें तो इसकी क्या वैल्यू आती है वो फाइंड करनी है. तो ये पॉलीनोमियल x में है, मींस इसमें वेरिएबल x है, इसलिए हम इसको डिनोट कर देते हैं p ऑफ x. x मींस जो भी वेरिएबल हो, अगर ये t में होता तो यहां t आ जाता, p मींस पॉलीनोमियल. और ये है जो भी पॉलीनोमियल गिवन हो वो हमने लिख लिया. अब p ऑफ 0 फाइंड करेंगे क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमें एट x इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मींस p ऑफ 0 फाइंड करना है. p ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे, इसमें x की जगह 0 डाल देंगे. 5 ऐसे ही आ गया, x की जगह 0 डाल दिया, माइनस 4 ऐसे ही आ गया, x की जगह 0, जे स्क्वायर ऐसे ही आ गया और प्लस 3, 5 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर मींस 0, 4 इंटू 0 0, ये भी 0 हो गया और ये 3 बच गया, तो इसलिए p ऑफ 0 हमारा 3 आ गया. मींस इस पॉलीनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 3 होती है. उसके बाद पार्ट सेकंड में भी इसी पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन x की वैल्यू कुछ और लेनी है. यहां x की वैल्यू माइनस 1 लेनी है, p ऑफ x ये है, तो p ऑफ माइनस 1 हम कैसे फाइंड करते हैं, x की जगह माइनस 1 ले लेंगे, बाकी चीजें वैसी ही आएंगी, 3 4 माइनस 5 ऐसे ही आएगा, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1. तो ये हमने इस पॉलीनोमियल में x माइनस 1 पुट कर दिया. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, माइनस 4 ऐसे ही आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 इंटू 1 1 और ये 3 ऐसे ही आएगा. नेक्स्ट टर्म में माइनस 5, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, फिर प्लस 3, फिर माइनस 5 माइनस 4, ये माइनस 9 हो जाएगा और ये प्लस 3 ऐसे ही आएगा, माइनस 3 सॉरी माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6. तो इस तरह से इस पी एक्स की वैल्यू एट माइनस 1 माइनस 6 आ गई. एट 0 हमने फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड किया था वो 3 आई थी और यहाँ माइनस 6 आ गई. थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना. उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ. फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स. पार्ट फर्स्ट मैं करूँगा, बाकी पार्ट आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं अगली वीडियो में करूँगा. पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, तीन
ये वैल्यूज फाइंड करनी है, जीरो पर, वन पर, टू पर। पार्ट फर्स्ट में पॉलीनोमियल क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। इस पॉलीनोमियल में वेरिएबल वाई है इसलिए यहाँ वाई आया। और पी ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉलीनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जगह हम जीरो डालेंगे कि प्लस वन ऐसे ही आएगा, वाई की जगह जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो प्लस वन, और ये हो गया जीरो माइनस जीरो प्लस वन जीरो, तो ये हो गया हमारा पी ऑफ जीरो। फिर हम पी ऑफ वन फाइंड करेंगे, इसी में डालना है प्लस वन। अब y की जगह वन लेना है, जैसे पी ऑफ जीरो जब हमने फाइंड किया y की जगह जीरो, अब पी ऑफ वन फाइंड करने लगे हैं, तो y की जगह वन, वन वन, वन का स्क्वायर वन, माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो प्लस वन दैट इज वन, ये भी वन आ गया। उसके बाद पी ऑफ टू भी फाइंड करना है, पी ऑफ टू, इसी में पी ऑफ वाई में वाई की जगह टू डालना है, तो वाई हमने छोड़ दिया, वाई की जगह टू डालेंगे, ये हमने पुट कर दिया पी ऑफ वाई में वाई टू, तो टू टू जब फोर, माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस टू टू प्लस वन ऐसे ही आया, और ये हो गया थ्री। तो बाकी पार्ट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, आज के लिए इतना ही। आप क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट ट्राई कर लेना ये वाला, ओके।